चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म आपको भर के दिखाएंगे, जिसमें हम अंडर ग्रेजुएट यानी कि ग्रेजुएशन का फॉर्म आपको भर के दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल साइट पे, जहाँ पे हम आ चुके हैं। इसका वेबसाइट का नाम है scholarship.up.gov.in। इस पर आएँगे तो हमको आना होगा स्टूडेंट सेक्शन पर, यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन पर जाएँगे। अब उसके बाद हमें यहाँ पर कैटेगरी चूज़ करना होगा, किस कैटेगरी में हम बिलोंग करते हैं। यदि हम ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे हमें पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट वाले पे जाना होगा। अगर आप बीए बीएससी बीकॉम किसी भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं अप्लाई, अब यहाँ पे सबसे पहले हम ज़िला चूज करेंगे। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे रायबरेली ज़िला है, ठीक। उसके बाद शिक्षण संस्थान का नाम यहाँ से चूज करेंगे। मान लेते, इसे मान लो मेरा दयानंद बछरामा पीजी कॉलेज है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी चूज करेंगे, फिर यहाँ पर हम धर्म चूज करेंगे, छात्र या छात्रा का नाम यहाँ पे, मोबाइल नंबर यहाँ पे, जो नंबर आधार से लिंक हो वो डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, जैसे कि मान लो मेरे केस में यहाँ पे 2024 है, सॉरी हाई स्कूल 2022 है। उसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल बोर्ड, ठीक। रोल नंबर आपको इस वाले बॉक्स में डालना है, इसमें आपको छोड़ देना है, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही अंक लेगा तो इसको छोड़ देना है। दूसरे वाले में हमको रोल नंबर डालना है, इस तरह से रोल नंबर डालेंगे। फिर यहाँ पे पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड हाई सिक्योरिटी पासवर्ड बनाना है, जिसमें से क्या क्या होना चाहिए वो यहाँ पे लिखा गया है। 6 से 12 अक्षर का होना चाहिए, जिसमें से एक बड़ा अक्षर, एक छोटा अक्षर और कुछ विशेष वर्ड शामिल हों। जैसे कि हम आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहे हैं कैसे शामिल होना चाहिए। जैसे कि मान लो मेरा नाम अंकित है तो मैं पहला अक्षर कैपिटल रखूँगा, बाकी के स्मॉल, @123, ठीक। ये सिंपल पासवर्ड होता है। इस तरह से पासवर्ड आप बनाएंगे, अपना नाम का पहला अक्षर कैपिटल, उस बाकी स्मॉल, @123, ठीक। इसको पासवर्ड आप यूज़ करेंगे, यहाँ पे दोनों में सेम पासवर्ड डालेंगे। कैप्चा कोड जो दिया गया है इसको डालेंगे, सेंड ओटीपी क्लिक करेंगे, आपके फ़ोन में एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डाल के आप सबमिट करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको इस तरह का रजिस्ट्रेशन संख्या दिखाई देगा, इसको आपको कॉपी कर लेना है। अब हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए स्टूडेंट पर जाएंगे, फ्रेश लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें जाना है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट वाले पे, ठीक। यहाँ पे हमको रजिस्ट्रेशन संख्या डालनी है जो भी हमको मिली है। उसके बाद हमको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी हमने डाला है वो डालेंगे, पासवर्ड जो हमने बनाया है वो डालेंगे, कैप्चा कोड डाल के सबमिट करेंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं। टोटल फॉर्म हमारा ये देखिए कई स्टेप में है, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट, इनकम, कास्ट, फिर आधार ऑथेंटिकेशन, एप्लीकेशन लॉग, तब हम यहाँ पर हार्ड कापी हमको प्राप्त होगी। उधर उसी तरह से यहाँ पर नीचे देखिए दिखा रहा है, अभी हमने डिजी लॉकर से सत्यापन नहीं किया, सिर्फ हमने रजिस्ट्रेशन किया और उसका स्लिप निकाला है। डिजी लॉकर से सत्यापन करें पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर डिजी लॉकर पे करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, अलाउ करेंगे लोकेशन। फिर यहाँ पे अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो साइनअप पे क्लिक करेंगे, ठीक। तो हम यहाँ पे साइनअप पे क्लिक करेंगे, आधार नंबर डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब रजिस्टर्ड नंबर पर हमारा ओटीपी जाएगा, वो डाल के यहाँ पर सबमिट करेंगे। अब दोस्तों ये आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड रहेंगे तो यहाँ पर आपको पिन डालने के लिए बोलेगा, नहीं तो हमसे पिन बनवाएगा। तो चूँकि इस नंबर से ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो यहाँ पे हमें पिन डालना होगा। अगर आप पिन भूल गए हैं तो फॉरगेट माय पिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पे हमसे 6 अंक का पिन बनाने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे हम कोई भी 0101, उसके बाद जो भी आपका ईयर हो वो डालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर हम डन कर देंगे, ठीक। यहाँ से हम अलाउ करेंगे, अब यहाँ पर डिटेल आ जाएगा, हमें कन्फर्म करना है, वेरीफाई डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सारा डिटेल आ चुका है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप पर, छात्रवृत्ति है तो आवेदन पत्र भरे। यहाँ पे हमको आना है पाठ्यक्रम का प्रकार, जिस हिसाब से आप स्कूल का नाम चूज करेंगे उसी हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो बीए हमारा है क्योंकि इस कॉलेज में सिर्फ बीए, उसके बाद बैचलर आप आर्ट डालेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में तो सेकेंड ईयर, अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो आप थर्ड ईयर चूज़ करेंगे, ठीक। उसके बाद पाठ्यक्रम की पात्रता, यहाँ पर इंटरमीडिएट हम रखेंगे क्योंकि हम बीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि, यानी आप फर्स्ट ईयर में किस तारीख को एडमिशन ले रहे हैं वो यहाँ मेंशन करेंगे। फिर वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, अगर आप 2 सत्र हैं, ठीक, ये प्रथम वर्ष का, जैसे मान लो हमने यहाँ पे थर्ड ईयर चूज किया तो फर्स्ट ईयर में आपने कब एडमिशन लिया था वो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद फाइनल ईयर में आप कब एडमिशन ले रहे हैं वो यहाँ डालेंगे। अगर आप सेकेंड ईयर में चूज कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर में कितनी तारीख को आपने एडमिशन लिया है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास एनरोलमेंट नंबर है तो एनरोलमेंट नंबर डालेंगे। और फिर अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आवासीय छात्र, हॉस्टल में नहीं रहते तो जीवा छात्र पर क्लिक करेंगे, ठीक। फिर यहाँ से हम हाई स्कूल पासिंग ईयर डालेंगे,
पूर्णांक, प्राप्तांक, कितने प्रतिशत नंबर है और बोर्ड का नाम, उसी तरह से इंटरमीडिएट का यहाँ पे डालेंगे और फिर कैप्चा कोड डाल के हम सबमिट करेंगे। यहाँ पे डिक्लेरेशन पे आपको चेक करना है। और दोस्तों अगले स्टेप पे यहाँ पे निजी विवरण वाले में हम यहाँ पे दिव्यांगता में कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे माता का नाम आपको डालना है, तो माता का नाम डालेंगे। यहाँ पे राशन कार्ड संख्या डालेंगे। और दोस्तों यहाँ पे अगले स्टेप पे हम यहाँ पे अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क, ये आपको विद्यालय से पता करके तब भरना होता है। जैसे कि मान लो हमारे यहाँ 8,000 है, तो हम 8,000 यहाँ पे डाल देंगे। आपके यहाँ जो भी हो वो आप डालेंगे अपने कॉलेज से पता करके। यहाँ पे हम अपडेट पे क्लिक करते हैं। अगला स्टेप है गत वर्ष का परीक्षा फल, तो यहाँ पे हम पास करेंगे। उसके बाद वार्षिक परीक्षा प्रणाली में चूज करेंगे, अगर एनुअल है तो सेमेस्टर प्रणाली। फिर यहाँ पे CGPA है, अंक प्रणाली है या फिर SGPA है। अब जो भी होगी अपने कॉलेज से आप संपर्क करके इसमें पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम SGPA सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद प्राप्तांक और पूर्णांक यहाँ डालना है, फिर प्रतिशत ऑटोमेटिक यहाँ जाएगा। शिक्षण संस्थान का नाम जहाँ पे आप वर्तमान में पढ़ रहे हैं उसका नाम यहाँ डालना है। कैप्चा कोड यहाँ डालना है और डिक्लेरेशन पर चेकबॉक्स पर क्लिक करके अपडेट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो चुका। देखिए आपके आवेदन पत्र की पुष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई हैं। अब हम यहाँ पे होम पे जाएंगे फिर से, ठीक, बैक आते हैं। अब यहाँ पे हमारा नंबर है, आवेदन पत्र को संशोधित करें, क्योंकि हमने अभी डिटेल भरा तो अभी हम संशोधित नहीं करेंगे। अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। हम यहाँ पर जाते ही सीधे आयम जाति प्रमाणीकरण है तो इस पर जाएंगे। अब यहाँ पर हमको आय का डिटेल भरना है, ऊपर आवेदन संख्या, नीचे प्रमाण पत्र क्रमांक और जहाँ पर कैप्चर कोड दिया इसको डाल के सबमिट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे डिटेल खुल के आ जाएगी, अब इसको वेरीफाई कर लीजिए। तो वेरीफाई इनकम डिटेल पे क्लिक करेंगे, आय प्रमाण पत्र वेरीफाई हो चुका है। अब हमको जाति प्रमाण पत्र को डिटेल भरना है। अब यहाँ पे वेरीफाई कास्ट डिटेल पे क्लिक कर देंगे। अब अगला स्टेप है यहाँ पे आधार प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक। यहाँ पे हम आधार नंबर डालेंगे, दोनों में हमको आधार नंबर डालना है। उसके बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करके यहाँ पर हम कैप्चा कोड डाल के वेरीफाई आधार करेंगे। तो दोस्तों हमारा ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। हमको हाई स्कूल रोल नंबर प्रमाणीकरण है तो इस पर क्लिक करना है। अब देख सकते हैं ये भी अभी अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हमको थोड़ी देर बाद ट्राई करना होगा। लॉगआउट हो चुका है, इसको फिर से हम लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों हमारा फॉर्म कम्प्लीट हो चुका है। हम जाँच हेतु आवेदन पत्र प्रिंट करे पर क्लिक करेंगे और इसमें हम अच्छे से जाँच करेंगे। अभी फिर से सर्वर एरर होता है, इसी तरह से लॉगआउट करके फिर से लॉगिन करेंगे। अब दोस्तों यदि आप श्योर हो गए हैं कि हमारा जो हमने जाँच हेतु प्रिंट निकाला है उसमें कोई संशोधन नहीं करना है, तो आप सीधे यहाँ पे जांच के उपरांत लॉगिन करेंगे, सबमिट करेंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे आवेदन पत्र को संशोधित करें पे क्लिक करके पूरा फॉर्म फिर से संशोधन कर सकते हैं। और जब इस पर आप लॉग कर देंगे तो आप 3 दिन के बाद फिर इसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे संस्था में जमा करने हैं तो आवेदन प्रिंट करें पर क्लिक करेंगे और इसका प्रिंटआउट निकाल के आप जमा कर देंगे, ठीक। बस इतना ही स्टेप कम्प्लीट हमने एक ही वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया है। इस पर क्लिक करेंगे तो लॉग हो जाएगा। लॉग कैसे करते हैं, कुछ करना नहीं होता है, बस लॉगिन करके यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक पॉपअप आएगा, आपने सारी पुष्टियाँ जांच ली हैं तो लॉगिन आप लॉग करें, लॉग कर देंगे। उसके बाद तुरंत नहीं निकलेगा, 1 दिन या फिर 3 दिन के बाद प्रिंटआउट निकलता है। कभी कभी 1 दिन के बाद निकल जाता है, नहीं तो 3 दिन के बाद प्रिंटआउट आपका निकल जाएगा। फिर यहाँ पे जमा कर क्लिक करेंगे, प्रिंटआउट आपका मिल जाएगा। उसको ले जाके 2 प्रतियाँ आपको कॉलेज में जमा कर देनी है, ठीक। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 6 स्टेप को कम्प्लीट कर लिया है। अभी एप्लीकेशन लॉग दिखा रहा है कि लॉग हमने भी नहीं किया, लॉग करने वाले स्टेप पर अभी हम पहुँचे हुए हैं, ठीक। ला करके प्रिंट आउट निकालेंगे, उसके बाद हम जमा कर देंगे। तो यहाँ तक हमने सारी प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। मिलते हैं इस वीडियो में, तब के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।